डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, एक है जहाँ हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। मैं बताने वाला हूँ आज आपको कि भाई आपके आपके बिजनेस में जो ग्रोथ चाहते हैं आप, तो उसके लिए क्या किया जाए। काफी लोग आते हैं ना जो डिप्रेस है, नर्वस है, बोलते नहीं बिजनेस में ग्रो नहीं हो रहे। मैं उनको पूछता हूं पहली बात कि क्या आप सचमुच आपका ग्रोथ चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, सचमुच आप वचनबद्ध है, सिर्फ आपकी एक इच्छा है कि आप चाहते हैं एक्चुअली, मतलब होना ही होना है, चाहती है, मतलब उसके सिवा मैं चला के लूंगा नहीं, नो मैटर व्हाट, मुझे तो ये करना ही है, ऐसा आप चाहते हैं कि भाई इसके सिवा मैं चला के लूंगा ही नहीं, ये तो होना ही है, ऐसा आप चाहते हैं, बर्निंग डिजायर, क्या आपको उसकी भूख है, बहुत ही हंगरी है आप, हंगर है कि उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार है, और वो यदि आपकी तैयारी है तो फिर आपको बहुत सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको आलस छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको आराम से काम करने की आदत छोड़नी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, आपको फैमिली को आप समय नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि कभी कभी आपका ईगो जो है, आइडेंटिटी है ना, कि जो मैं हूँ, मैं बना, वो मैनेस जो है मी, वो छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपके हॉबीज की तरफ आपको ख्याल नहीं आएगा, मतलब काफ़ी सारी बातें, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, काफ़ी सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको बाजू रखनी पड़ेंगी और पूरी ताकत से आपको भिड़ना पड़ेगा, खुद को उसमें पीसना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, काफ़ी सारी बातें छोड़नी पड़ेगी, तब जाके आपको ग्रोथ मिल सकती है। नंबर दो मुद्दा है कि भाई आपको वहाँ जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जहाँ बहुत छोटा गांव है, छोटी जगह है, तो आप वो छोड़ने को तैयार है क्या? आपको हो सकता है कि फ्रेंचाइजी देनी पड़ेगी, ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करनी पड़ेगी। उसके पहले या उसके साथ साथ आपको देखनी पड़ेगी आपको वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, मतलब जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ बिजनेस चल रहे हो, वहाँ आपके कस्टमर बढ़ सकते हैं क्या, वहाँ आपके कस्टमर आप बढ़ा के धंधा बढ़ा सकते हैं क्या। तो एक तो वर्टिकल ग्रोथ है, दूसरा है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, बड़ी जगह पर जाना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ सेचुरेशन हो गया है, हो सकता है कि आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब ऐसा है कि एक आप बिजनेस कर रहे उसके साथ साथ और दो बिजनेस हम चालू कर देते हैं, मतलब एक बिजनेस में थोड़ा सा जरा मार्केट टाइट हो गया या धंधा डाउन हो रहा है, तो आप बाकी दो बिजनेस है वो ऊपर जा सकते हैं। तो फिर डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं, आप अलग अलग बिजनेस आपके एक साथ में चालू कर रहे क्या, उसकी भी थोड़ी रिस्क आपको उठानी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो आइटम है वो है कि आपकी टीम आपके साथ में है क्या, और जो आपकी टीम है वो एकदम कमिटेड टीम है क्या, क्योंकि हो सकता है कि आपके एस्पिरेशंस, आपके जो गोल्स हैं वो अलग होंगे, आपके टीम्स के एस्पिरेशंस अलग है, आपके टीम के गोल्स अलग है, आपकी टीम चाहती नहीं, आपकी टीम तो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही, तो फिर वो होगा नहीं। तो पहली बात यह है कि आप सच्ची यदि ग्रोथ चाहते हैं तो आप कमिटेड है क्या, आप वचनबद्ध है क्या। नंबर दो, आप अपॉर्चुनिटी जो है वो देख रहे हैं कि वहाँ अपॉर्चुनिटी सेचुरेटेड हो गई है, अभी वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, वर्टिकल ग्रोथ है, ग्रोथ कैसा चाहते हैं। नंबर तीन, आप डाइवर्सिफाई करने को तैयार है क्या। नंबर चार, आपकी टीम जो है वो टीम पैसे के लिए काम कर रही है कि एक्चुअली काम करने के लिए काम कर रही है, वो भी कुछ चाहते हैं, उनका भी बड़ा उद्दिष्ट है काम करने के लिए, और वो तैयार है इसलिए वो काम कर रही है कि पैसे के लिए काम कर रही है। काफ़ी सारी जगह ऐसा होता है कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं, 95% लोग यही बोलते हैं, ज़्यादा ही बल्कि, कि हम धंधे पे क्यों जाते हैं या नौकरी पे क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। तो ये सब बातें हैं, तो आपकी टीम अच्छी बनानी पड़ेगी और खुद का जो है वो बहुत सारा छोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको बताया पहले जैसा ईगो छोड़ना पड़ेगा, गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, अपसेट होना छोड़ना पड़ेगा, आपकी आइडेंटिटी जो है, मैं अपना जो है वो छोड़ना पड़ेगा, रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी,
घूमना फिरना होगा, हार्ड वर्किंग करना होगा, आलसीपना छोड़ना होगा, टीवी नहीं देखना, मतलब काफ़ी सारी बातें हैं कि जो आपकी आपको फैमिली पे, मतलब ऐसा हो सकता है कि फैमिली में आप कम समय दे रहे हो, हार्ड वर्किंग 15-16 घंटे 18 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ तो होगी होगी और अपने देश का भी विकास होगा। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो उसमें मतलब स्ट्रगल करते होंगे बिजनेस में, आपके दोस्तों में से उसमें से कुछ लोग होंगे, उनको जरूरी वीडियो शेयर करो, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे और फेसबुक के जो ग्रुप से कॉल है उसके ऊपर जरूर शेयर करो। हमारा जो उद्देश्य है कि भाई मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए है ना, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका हाथ जरूर लग जाएंगे, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फैलाओ। थैंक यू वेरी मच।